प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में मध्य प्रदेश है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मन में भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मेरे भाई और बहनों, पिछले 65 वर्षों में केवल गरीबों पर राजनीति की जाती थी, गरीबों का शोषण किया जाता था, गरीबों से वोट लिया जाता था। आज देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीबों का पूरी जिंदगी बदलने का कार्य किया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने। गरीबी हटाओ कहने से गरीबी नहीं हटती, गरीबों का संघर्ष, गरीबों का चुनौती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी को समझना होगा। और उसी के तहत जो प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं, सपनों को हमें अपने संकल्प में बदलना होगा और संकल्प को सिद्धि तक ले जाना होगा। और आज उसी के जरिए गरीब कल्याण योजना के 5.5 करोड़ लाभार्थी भारत में, केवल हमारे 80 करोड़ मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़, जहां निःशुल्क अन्न आज भी पहुंचाया जाता है और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अगले 5 साल तक भी पहुंचाया जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है, मोदी है। और इसलिए आयुष्मान कार्ड जो एक एक गरीब के स्वास्थ्य के लिए 5 लाख की राशि पहुंचाती है, मध्य प्रदेश में 4.25 करोड़ हमारे लाभार्थी हैं, वो गरीब जिसे कभी भी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, हमारे प्रधान सेवक ने उनको स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाई। और इसलिए देश में कहा जाता है मोदी है, मोदी है। और इसलिए वो उज्ज्वला योजना जहां हमारी एक एक महिला लकड़ी को फूंक फूंक कर अपने फेफड़े में धुआं लेती थी, उस एक एक महिला के घर में 82 लाख घरों में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचाया गया है। और इसलिए देश में कहा जाता है कि मोदी है, अरे मोदी है। और इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जहां केंद्र से 6,000 रुपया और प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह जी का 6,000 रुपया एक एक सीमांत कृषक के खाते में सीधा सीधा 12,000 रुपया हमारे प्रदेश के 1 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाया जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है, मोदी है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। मेरी लाडली बहना यहाँ बैठी हुई है, एक एक बहना के खाते में 1,250 रुपया हर माह पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल ने किया है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है, मोदी है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस देश के अंदर 370 अगर किसी ने रद्द किया, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर मेरी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद में किसी ने दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, भारत के तिरंगे को भारत के अंदर गाड़ के रख दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 की अध्यक्षता करके विश्व के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को मां भारती के माटी का दर्शन कराकर विश्व पटल पर भारत का तिरंगा गाड़ के रख दिया। और जहां देश के अंदर गाड़ दिया, जहां विश्व के अंदर गाड़ दिया, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मां के तिरंगे को चांद पे भी गाड़ दिया मेरे भाई और बहनों।
और इसलिए इस साल हम तीन दिवाली मनाएंगे, पहली दिवाली 12 तारीख को, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को, जब आप के द्वारा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा और मत पेटी खुलेंगी तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी। करोगे या नहीं करोगे? 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 और तीसरी दिवाली जो 140 करोड़ भारत की जनता का सपना था, उस सपने को प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया और अब तीसरी दिवाली उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करेंगे। राम भगवान पुरुषोत्तम राम अयोध्या में राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आज संकल्प और प्रण लो, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर लॉक लगाकर चाबी सिंध नदी में फेंक देंगे। हाथ उठाकर आश्वासन दो।